सो है गाइस, कैसे आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग जमीन के अंदर कैसे जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, इस तरह का वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं काइन मास्टर से। दोस्तों चलिए मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो है गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 9x16 का रेशो सेलेक्ट करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या करना है, एक वीडियो यहाँ पे ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने शूट किया है तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों आप भी इस प्रकार से वीडियो को ऐड कर लीजिएगा, शूट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वीडियो को प्ले करके। सबसे पहले इसकी हम साउंड को यहाँ पे ऑफ करेंगे, साउंड पे क्लिक करके इसकी साउंड को हम यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं। और दोस्तों जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हमारा है तो यहाँ पे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले कैंचे पे क्लिक कर देना है और ट्रिम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, कट जाएगा। उसके बाद आगे आना है। आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वीडियो में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को शूट किया है, यहाँ पे एक आपको फोटो ले लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है और कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक फोटो सेव हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो जहाँ पे आप जंप ले रहे हैं यहाँ पे आपने जंप लिया है यहीं पे, जंप यहाँ पे जो लिया यहीं पे आपको क्या करना है, कट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कैंची पे क्लिक कर देना है और ट्रिम राइट पे क्लिक कर देना है, कट जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एक अपना फोटो यहाँ पे खींच लेना है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है, आपका एक फोटो सेव हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे। तो हम चलते हैं गूगल क्रोम पे। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नेट ऑन कर लेना। दोस्तों यहाँ पे मेरा नेट ऑन नहीं है तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है रेमो बैकग्राउंड, यहाँ पे आप लोग आर और बी आप लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है पहले वाले आपको वेबसाइट पे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन है यहाँ पे खुल चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको आना है ऊपर और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जिस फोटो को यहाँ पे आपने खींचा था यहाँ पे ब्राउजर में आएंगे और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपने फोटो खींचा था उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो हमारा फोटो का बैकग्राउंड हो ऐसे ही रिमूव कर देगा, तुरंत ही कर देता है। और यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया है, इस पर भी कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं बैक और आने के बाद दोस्तों यहाँ फिर से हम यहाँ पे आएंगे काइन मास्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे हम काइन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले उस फोटो के यहाँ पे आपको लेना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे उस फोटो के यहाँ पे डाउनलोड में है, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे और इस पर क्लिक कर देंगे और इसको हम इसके साइज को यहाँ पे मिलाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ले लेना है और यहाँ पे ला के आपको इसको यहाँ पे मिला देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं मिला लेता हूँ अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मिला लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो फोटो यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोगों को आ जाना है इस मीडिया में। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो आपने फोटो कैप्चर किया था, जो अलग वाला किया था यहाँ पे खाली जगह वाला, इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है जो खाली वाला था। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग को इस वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाबी, यहाँ पे चाबी पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद से थोड़ा आपको आगे आना है हल्का सा और प्लस कर देना है यहाँ पे। उसके बाद से आपको इसको आपको नीचे लेना है फोटो को। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आना है आगे, फिर से आपको नीचे लेना है यहाँ पे, फिर से आपको आना है। उसके बाद फिर से आपको इस प्रकार से नीचे ले लेना है इस प्रकार से यहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको करना इस फोटो को क्लिक करना है और इस प्रकार से आपको इसको छोटा यहाँ पे कर लेना है यहाँ पे, इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने कर दिया, इस प्रकार से कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस वाले फोटो को क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे और डुप्लीकेट एस लेयर क्लिक कर देना। दोस्तों बहुत ही आसानी से मैं आपको एडिट करके बताऊंगा यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिप स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके बाद इसको आपको खींच के इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे लेना है यहाँ पे, इतना ले लीजिए यहाँ पे जहाँ पे आप जंप लगा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार मैं वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा देखते हैं हमारा वीडियो बन चुका है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हमारा पानी जो गिर रहा है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे मैं जंप लगाऊंगा यहाँ पे,
तो देख सकते हैं सीधे यहाँ पे ज़मीन के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही लेट में जा रहा, तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा और भी छोटा कर देंगे इसको। और दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से मैं पहले करके देख लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे हमारा रुक जा रहा है, तो यहाँ पे आगे हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार मैं फिर से यहाँ पे वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है जहाँ पे मैं जंप लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको इस लेयर में चले आना है और इस यहाँ पे स्टिकर पे। और दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे वाटर वाला लगा देते हैं यहाँ पे, वाटर वाला ये वाला हमारा है यहाँ पे। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे आप लोग को साउंड पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो डाउनलोड किया है उसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला मेरा रहेगा वाटर वाला। दोस्तों ये वाला मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे साउंड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार मैं फिर से यहाँ पे वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो हमारा वीडियो है यहाँ पे बन चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं जमीन के अंदर जाने वाला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों यहाँ पे सेव करने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे वीडियो, और यहाँ पे आपको सेव इस वीडियो पे क्लिक कर देंगे, वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।